मैम म्यूट है आप। हेलो मैम, आप म्यूट है मैम। Am I audible now? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes, ma'am. आपका जो स्टेटमेंट है वो चार पार्ट में डिवाइडेड है एंड फिफ्थ ऑप्शन इज नो एरर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है डार्ट्स आर प्लेड बाय मेन एज वेल एज वुमेन। मतलब डार्ट्स जो है वो मेन भी खेलते हैं और वुमेन भी खेलते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें से कहां पर आपको एरर दिखता है वो मुझे बताइए। और अगर एरर नहीं है तो फिफ्थ ऑप्शन दैट इज नो एरर। हम डार्ट्स मतलब हम निशानेबाजी। यस, निशानेबाजी इन द सेंस आपने देखा होगा क्लब्स में ऐसे राउंड एक रहता है। यस मैम। यस मैम, वही है। पॉइंट्स मैम वन होगा मैम। वन, ओके। Anybody else? Ma'am, what is the spelling of woman there? Is it W-M-E-N or M-A-N? M-E-N, dono mein hai. Men mein bhi, women mein bhi, dono mein M-E-N hai. Then. क्या करना है इसमें? इसमें error कहाँ है? इस statement में error find out करना है। का पांचवा होगा लगता है इसका। एनी अदर स्टूडेंट? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है, डार्ट्स आर प्लेड बाय मेन एज वेल एज वुमेन। सबसे पहले तो यहाँ पर हम इसको डिस्टिंग्विश करते हैं, इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हमारे पास तीन नाउन है, देयर आर थ्री नाउन, डार्ट्स हैं, मेन हैं, वुमेन हैं। ठीक है, डार्ट आपका गेम का नाम है, दैट मींस पर्टिकुलर नाउन है, प्रॉपर नाउन है। मेन वुमेन आपका कॉमन नाउन है। ठीक है, सेकेंड थिंग यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, प्ले, ठीक है, आपका वर्ब, ठीक है, बाय आपका आर्टिकल है, वर्ब। एक्सक्यूज मी मैम, एज वेल एज जो होता है वो आपका दैट इज योर हेल्पिंग फ्रेज टू कनेक्ट। ठीक है, एंड आर आपका वर्ब है मैम। तो यहाँ पर आपने डिस्टिंग्विश कर दिया। आप मान लीजिए हम यहाँ पर कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन से लेना शुरू करते हैं। प्रॉपर नाउन से हम लेते हैं तो डार्ट्स जो होता है, डार्ट्स का मतलब ठीक है, तो डार्ट्स जो होता है ये इस पार्ट में ही लगेगा या इसके साथ होगी सेंटेंस होगा ये आपको देखना। दिस इज हाउ यू डिस्टिंग्विश व्हाट इज द एरर इन द सेंटेंस। व्हेन यू रीड द सेंटेंस, सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बिकॉज वंस यू रीड द सेंटेंस समटाइम्स यू एबल टू आइडेंटिफाई कि वहां पर क्या है। अगर नहीं हो पाता है तो इस तरह इसको डिस्टिंग्विश करना। एंड नाउन टू प्रोनाउन जाना है, अगर सेंटेंस में है तो प्रोनाउन से फिर वर्ब जाना है, वर्ब के थोड़ा कम आ रहा है मैम। कम आ रहा है, मूवमेंट कर रही ना मैम आप, इसलिए पता नहीं क्यों कम आ रहा है। अच्छा, यू कैन सी, यू कैन डू वन थिंग, यू कैन आप थोड़ा सा वॉल्यूम अपना बढ़ा लीजिए, बिकॉज़ आई एम ट्राइंग टू स्पीक हियर, तो मैं यहां पर देख के बोल रही हूं, शायद इस वजह से कम। यस मैम, यस मैम, दैट इज द मेन इशू। तो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज फाइंड आउट, अगर आपको रीड करते ही कोई एरर नहीं बताया जा रहा है, नहीं पता चल रहा है, तो आपको उसको डिस्टिंग्विश करना है। और आपका सीक्वेंस जो है दैट इज नाउन टू प्रोनाउन टू वर्ब एंड देन एनी अदर आर्टिकल्स या प्रोपोजिशन जो भी है। ठीक
इस सीक्वेंस में आपको जाना चाहिए आर्टिकल या प्रपोजिशन है, ये सीक्वेंस आगे इस तरह बढ़ना चाहिए, यानी कि नाउन से लेकर आपको एरर खोजना शुरू करना है। तो नाउन का हम ले लेते हैं मैन और वुमेन, सही है, बहुत सारे मैन खेलते होंगे, बहुत सारे वुमेन खेलते होंगे, तो ये चीज सही है। लेकिन यहाँ पर एक एरर है, जो डार्ट्स, डार्ट्स जो है वो गेम का नाम है, उसके साथ आप आर नहीं लगा। डार्ट्स इज द नेम ऑफ द गेम, दैट इज प्लूरल नहीं होता है, ये होता है सिंगुलर। ठीक है, ये चीज जो होती है ये सिंगुलर होती है, क्योंकि जैसे ब्लड्स नाम सुना होगा आपको, ब्लड इज ऑल्सो अ गेम, तो गेम का नाम है। ठीक है, फुटबॉल के प्लेयर अलग होते हैं, लेकिन फुटबॉल गेम का नाम बोलोगे तो सिंगुलर होना चाहिए। सो दैट इज व्हाई यहाँ पर डार्ट्स के साथ आर नहीं लगेगा, इज लगेगा। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज योर ऑप्शन दैट यू विल सेलेक्ट। एनी डाउट इन दिस? नो मैम। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, रिसेंटली आई विजिटेड सिंगापुर एंड फाइंड द सीनरीज टू बी ब्रेथ टेकिंग। और नो एरर, ये सेकंड स्टेटमेंट हम लोग अभी कर रहे हैं, इसमें क्या एरर पॉसिबल है, यू कैन गो एरर कर। मैम थर्ड वन, थर्ड वन, व्हाट इज द एरर इन थर्ड वन? To be could must be excluded, ma'am. Sorry? To be must be excluded. To be नहीं होना चाहिए। Yes, ma'am. Okay. मैम थर्ड वन होगा, लेकिन वहां पे द नहीं लगेगा। क्या लगेगा? मैम द नहीं लगेगा वहां पे, द सीनरीज है ना, वहां पे द नहीं होगा, ओनली सीनरीज। सीनरीज नहीं लगेगा, ओके। ओके, फर्स्ट थिंग, यहाँ पर आपका जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ठीक है, सेंटेंस में आप क्या रीड करके गलत बता पा रहे हो, क्या एरर है, एक बार रीड करने क्या एरर पता चल रहा है आपको, पता चल रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन यू डिस्टिंग्विश? हाँ, पहले से ही रीड करके आपने पता लगा था, दैट सी इज अकॉर्डिंग टू यू सी इज द एरर वन। ठीक है, लेकिन इसमें एरर क्या है वो मुझे यहाँ पर बताना है, आपको सबसे पहले हम जरा नाम देख लेते हैं। रिसेंटली आई विजिटेड सिंगापुर, ठीक है, वो जगह का नाम है, एंड फाउंड द सीनरीज टू बी ब्रेथ टेकिंग। ब्रेथ टेकिंग का मतलब होता है कि जो बहुत ही सुंदर होता है, जिसके बाद आप यहाँ पर एक तरह से कह सकते हो कि अच्छी चीज जिसकी जिसको देखने के बाद या जिसको समझने के बाद आप बोल नहीं पाते हो। ब्रेथ टेकिंग इज यू कैन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, आपकी फीलिंग, बट सीनरी ही आपका नाउन। मुझे ये बताइए सीनरी का मतलब क्या होता है मैम? जो वहाँ का जो व्यूज होते हैं ना मैम, जैसे हम लोग का कश्मीर, काश्मीर का जो डिफरेंट विजिटिंग प्लेसेस जिसको हम लोग कह सकते हैं मैम, या जो अट्रैक्टिव प्लेसेस होते हैं, हम नजारे, जो नजारे बोलते हो जिसको हिंदी में, तो जो नजारे आप देखते हैं उसे सीनरीज कहते हैं। तो अगर आप नाउन के रूट्स में जाएंगे, सो यू विल लुक एट इट, सीनरी इज वन ऑफ द वर्ड दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सीनरी वर्ड ही का मतलब होता है कि अलग अलग चीज जो आप देखते हैं, इसका मतलब इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रन का मतलब ही होता है प्लूरल फॉर्म, तो उसको आप चिल्ड्रंस नहीं देखते। दैट इज व्हाई यहाँ पर सीनरी का मतलब ही होता है, यहाँ पर अगर सी वाला सीनरी जो प्लूरल फॉर्म देते हैं, इस वर्ड का मतलब ही होता है कि जो अलग अलग नजारे आप देख रहे हैं। तो आपको ई और आई एस लगाने की जरूरत ही नहीं है। So this is the error, this is important. Third option correct है, लेकिन इसमें ये question गलत होगा। और आपका to be the लगेगा बच्चे, the इसमें लगेगा क्योंकि आप particular Singapore के series के बारे में बात कर रहे हैं। Secondly, to be found लगा हुआ है, इसी में यहाँ पर found के साथ to be लगा हुआ है। जो sentence का structure है, उसके according वहाँ पर to be लगना चाहिए, तो वहाँ found लगा हुआ है। Found to be मतलब उसे ऐसा देख के लगा, उसे पता चला, या उसके उसने देख के ये पता किया, फाइंड किया कि ये जो सीनरीज है वो बहुत ही ब्रेथ टेकिंग। ठीक है, यस मैम।
नो मैम. अगर कोई किसी को भी कोई डाउट है बच्चे हैंड रेज कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 3, द पुलिस इज बिकमिंग मोर एंड मोर हैज फॉलन डाउन. मैंने दो स्टेटमेंट को एक साथ लगा दिए थे. लेट मी चेक द स्टेटमेंट्स हियर. थ्री नंबर स्टेटमेंट ना दो स्टेटमेंट मैंने बोल दिया. This portion would not be in this. Inactive or interactive? ये question है ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया because they had the same starting edit. Yes. तो यहाँ पर आपका जो statement है statement number 3 यहाँ पर गलती हो गया. The police is becoming more and more inactive. ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट है और अगर नहीं है तो आपके पास मोबाइल का ऑप्शन. तो ये बताइए इसमें क्या कर सकते हैं. ऑनलाइन स्टूडेंट एनीबॉडी वुड लाइक टू से दिस. इसका कोई एरर बताना चाहता है. And third number. Third number. क्या एरर है थर्ड नंबर में. मोर मैम एंड मोर जो है ना मोर एंड मोर में एक ही मोर होना चाहिए मैम. एक ही मोर होना चाहिए. तो क्या पुलिस इज एनीबॉडी एल्स. फाइव नो एरर. तो नाउन यहाँ पर है पुलिस और तो कुछ नहीं है और बाकी सब वर्ब है. ठीक है, तो पुलिस के साथ यहाँ पर पुलिस आपका कलेक्टिव नाउन होता है और कलेक्टिव नाउन जब साथ में कोई काम करता है तो सिंगुलर है तो इस लगाया उसके साथ. चलो ये सही. फिर हम लोग प्रोनाउन देखते हैं. प्रोनाउन नहीं लगाए सही तो प्रोनाउन यहाँ पर वर्ब देखते हैं. वर्ब यहाँ पर तो पुलिस इज बी है मैम. कम यानी वो होते जा रहे हैं. Then comes your article and so on. Article आपका the police यहाँ पर क्यों लगा है? Then it is a collective noun. मैम specifically पुलिस के बारे में बात किया जा रहा है मैम. क्या के पुलिस के बात किया जा रहा है? पुलिस जो है आपका किसी specific case पे काम कर रही होगी उस particular area का जो पुलिस है उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो particular branch है अगर यहाँ पर द लग रहा है तो या तो पर्टिकुलर किसी रीजन के बारे में लिख रहा है. अगर रीजन का नाम लिखा होता देन वी कैन से द पुलिस लिखा इसका मतलब इट विल बी सेइंग दैट इट इज पर्टिकुलरली इंडियन पुलिस या तो किसी कंट्री का. Inactive आपका सही है. Inactive का मतलब है कि respond नहीं कर रहे हैं जल्दी या फिर more and more वाला जो phrase है ये phrase जो होता है ना that is this phrase का specifically with comparative degree. Adjective का जो comparative degree होता है इसमें ये phrase use किए जाते हैं क्या दिखाने के लिए कि आपका comparison जो है वो लगातार किया जा रहा है. ठीक है, इस phrase का मतलब हो रहा है कि यहाँ पर मान लीजिए एक phrase से दूसरे phrase हो सकता है या एक महीने से कलेक्टिव नाउन के साथ मैम हमेशा इजी यूज होगा मतलब सिंगुलर ही यूज होगा. नहीं हमेशा नहीं, जब साथ में जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि पुलिस इनएक्टिव होते जा रही है यानी कि पूरे पुलिस फोर्स को बोला जा रहा है या फिर पूरे किसी एक पर्टिकुलर एरिया की पुलिस को बोला जा रहा है तो जब साथ में मिलकर वो कोई काम कर रहे हैं चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो उस केस में आपका एज भी लगेगा. यहाँ पर पुलिस को अगर अलग करना होता है ना तो उसके लिए आप पुलिस मैन यूज
करेंगे या पुलिस मैन यूज करेंगे, इसका मतलब यहाँ पर मैन और मैन लगाने का मतलब आप पूरी फोर्स में से कुछ गिने चुने लोगों को, हाँ कुछ गिने चुने लोगों को बारे में बात करते हैं, जैसे few of the policemen came to my house for asking me questions about the incident. मतलब यहाँ पर कुछ लोग आए पुलिस फोर्स, पूरी पुलिस फोर्स तो नहीं आई, तो इसीलिए जब इसको डिस्टिंग्विश करना होता है, पुलिस एक ऐसा कलेक्टिव नाउन है जिसको पुलिस के लिए हमें यहाँ पर सफिक्स चाहिए, सफिक्स यानी जो वर्ड के आगे लगते हैं. Yes. तो वर्ड के आगे मैंने मैन या फिर मैन लगा दिया, इसका मतलब कि मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि कुछ बंदे जो पर्सन जो है पुलिस में काम करते हैं वो मेरे साथ है. एंड वन मोर थिंग, पुलिस मैन जो है यहाँ पर मैन इसलिए लिखा जा रहा है इसलिए नहीं क्योंकि मैन को ही रेफर किया जाता है, इसलिए क्योंकि पुलिस वॉज वन ऑफ द जॉब्स दैट वाज कंसीडर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट जो सिर्फ आदमी कर सकते, इसीलिए ये फ्रेज हो गया ऐसा ही पुलिस मैन और पुलिस मैन, इसका मतलब ये नहीं कि आप वुमेन को नहीं रेफर. लेकिन अगर आप वुमेन को रेफर करते हैं, अभी तक तो ऐसे लीगली मुझे कहीं पर दबा नहीं चला है, लेकिन आप पुलिस पर्सन हो सकते हो ठीक है, जहाँ आपको जनरल रेफर करना है या फिर आप पर्टिकुलर पोजिशन बोल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल फीमेल कॉन्स्टेबल ठीक है, फीमेल इंस्पेक्टर, इस तरह से उनको डिफाइन किया जाता है अलग पोस्ट के लिए. तो ये आपको समझ में आ गया, अगर आपको आर लगाना है तो उसके आगे पुलिस मैन या फिर पुलिस मैन के आगे यहाँ पर नंबर लगेगा पुलिस मैन भी रहेगा तो भी आर यूज करेंगे मैम. हाँ पुलिस मैन रहेगा या पुलिस मैन है सिर्फ एम ए एन मैन को सिंगल मैन होता है. यस मैम. इज यूज करोगे. यस मैम. अगर पुलिस मैन है एम ई एन मैन है तब आप वहां पर आर लगा सकते. यस मैम. ऑलराइट सो क्वेश्चन नंबर 4 इज द प्रेजेंट डेटास शोस दैट द डेथ रेट हैज फॉलन डाउन. वन में एरर है मैम इसमें. किसमें एरर है? वन में मैम. क्या एरर है? डेटास नहीं होगा मैम, क्योंकि डेटा जो होता है वो डेटम का प्लूरल फॉर्म होता है, तो डेटास है वहाँ पे इस वजह से. सेकंड में भी मैम, सेकंड में भी शोज होगा. सॉरी हम सेकंड में शोज नहीं होगा. सेकंड क्वेश्चन में कहाँ नहीं होगा? नो मैम, द फोर्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट द शोज दैट द तो यहाँ पर डाटा जो है वो हमेशा सिंगल में रहेगा, लेकिन डिफरेंशिएट कैसे करोगे? वर्ब से. यहाँ पर एस लगने का मतलब डाटा सिंगल गया, यहाँ पर एस नहीं लगने का मतलब डाटा इससे ज्यादा गया. दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन दीस टाइप ऑफ वर्ड्स दैट ऑलवेज कंसिस्ट इन द सिंगुलर फॉर्मेट. नाउ यहाँ से जो भी तो हाँ तभी कैसे ही जाएगा, डाटा चेंज नहीं होगा. हमें कैसे पता चलेगा सिंगुलर कैसे सिंगुलर? वर्ब से पता चलेगा. अगर यहाँ पर वर्ब सिंगुलर फॉर्म वाला लगा है सिंगुलर वाला लगा है. All these questions signify two basic rules of noun. देखिए ये noun के दो basic rule यहाँ पर बता रहे हैं सारे question. एक मिनट, let me erase this and then we can continue. एक मिनट erase करो. ये questions आपको चाहिए तो मैं भेज दूँगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. And these questions हैं, you can find it anywhere. इसे noun का rules पढ़ाना है, इसलिए मैं question के तू पढ़ाना है, आपको जल्दी समझ में आ जाता. टू बेसिक रूल ऑफ नाउन स्टार्टिंग के रूल होते हैं ठीक है, आपको यहाँ पर किसको सिंगुलर लेना है किसको प्लूरल लेना है. देयर आर सम फ्यू वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं. पहला रूल जो है रूल नंबर वन इज देयर आर सम नाउन्स ठीक है, देयर आर सम नाउन्स which are always taken in singular format. format का मतलब क्या है?
ये सात जो सेंटेंसेस लगेंगे ना वो हमेशा सिंगुलर में लगेंगे. इसका एग्जांपल होता है न्यूज, सीनरी, पॉलिटिक्स. यस पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स. यस मैम, फिजिक्स. यस मैम. ठीक है, ये जो होता है ना यहाँ पर एस लगने के बावजूद, ये अलग रीजन है. यहाँ पर एस लगने के बावजूद क्योंकि ये सिग्निफिकेंट सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, पॉलिटिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स वो पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसीलिए हमेशा सिंगल रहता है. और सीनरी वाले जो वर्ड्स होते हैं जैसे फर्नीचर, फर्नीचर हो गया, मशीनरी, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये प्लूरल फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर एस नहीं लगा है, लेकिन फिर भी हम इसको ये प्लूरल चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. फर्नीचर मतलब प्रैक्टिकल चेयर, सब कुछ सब कुछ आ जाता है. मशीनरी में क्या, हर एक बैंक के सीनरी में क्या, बहुत सारी चीज. तो ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब सेंटेंस में फॉर्म करोगे ना सेंटेंस को हमेशा सिंगुलर में इसलिए रखते हैं क्योंकि ये पूरा एक पर्टिकुलर एक तरह से ग्रुप रेफर कर रहा है. ठीक है, फर्नीचर मतलब जितना ट्राउजर्स भी ले सकते हैं मैम, ट्राउजर्स भी ले सकते हैं मैम इसमें. आपका फेयर मैटर्स करता है, उसके लिए अलग रूम है, डोंट वरी, इसके लिए भी बताऊंगी. लेकिन इसके साथ जो स्टेटमेंट है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में है. दैट्स इट. आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ बेसिक एग्जांपल ऑफ दिस. शी, मू, हर, फर्नीचर, एंड देन यू होम. यहाँ पर फर्नीचर से ही लगा, फर्नीचर भी लगा, शीलू पर फर्नीचर एंड न्यू होम. ये स्टेटमेंट से कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि फर्नीचर आपका पूरा नहीं है, राइट? कहीं ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं देना है. ये स्टेटमेंट बताता है कि आपका जो सेंटेंस फॉर्म होता है वो सबका अदर सेंगर पीरियड, डोंट वरी. इसके तरह मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, जहाँ जितने भेजूंगी उससे भी बहुत ज्यादा एग्जाम्पल होते हैं, उससे ज्यादा एग्जाम्पल होते हैं. लेकिन बेसिकली जो बहुत सारे यूज कर रहे हैं उनके साथ मैंने ये सारे वर्ड्स होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्मेट की एक होती है. इसके साथ सेंटेंस बनाना है, जैसे न्यूज वर्ड, तो गुड न्यूज आप देखते हैं तो न्यूज तो एक ही रहता है. इसमें हैंडल्स क्या है? यस अभिषेक बच्चे, कोई डाउट है आपको? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ बच्चे. जैसे वार्डरोब हो गया तो मैम वो भी यही है ना, सिंगल फॉर्मेट. किसमें? वार्डरोब में. वार्डरोब, यस वार्डरोब भी आपके इस फॉर्मेट में आता है. पर मैम वार्डरोब और क्लोसेट, हेलो. यस 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 मैम, वार्डरोब और क्लोसेट में फिर क्या डिफरेंस है? वार्डरोब और क्लोसेट में क्या डिफरेंस है? क्लोसेट में आपका क्लोसेट में ना डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस रहते हैं. वार्डरोब आपका वो जो अलमारी होती है ना उसको कहते हैं, मतलब उसमें सेक्शन रहेगा लेकिन बहुत ज्यादा स्पेस नहीं रहेगी. क्लोजेट का मतलब, क्लोजेट स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया गया वर्ड जिनका बहुत बड़ा अलमारी है, मतलब वो जो आपने नहीं वो तो रिच पीपल रखता है ना अपने अपने उनका रूम रहता है, जहाँ पर एक सेक्शन सूट वाला, एक सेक्शन रहेगा थ्री पीस वाला, अलग एक सेक्शन में जूते वाला रहेगा, उसको बोलते हैं क्लोजेट. ठीक है, जहाँ पर एक बड़ा सा स्पेस है जहाँ पर अलग अलग चीजें रखी है, भले छोटा ही लेकिन वो अलग अलग चीजें रखने का जब जगह. आपका जो वार्डरोब होता है, वार्डरोब आपका अलमारी होता है, अलमारी में भी खाली कुछ सेक्शन अलग होते हैं लेकिन उसकी कोई कम जगह रहती है. अलमारी में आप ऊपर टांग सकते हैं कपड़े, यहाँ पर पैक करके रख सकते हो, फिर दो चार ड्रॉवर्स दिए जाते हैं, फिर नीचे रख सकते हो रजाइयां वगैरह, उसमें कम जगह रहती है. क्लोजेट में बहुत ज्यादा जगह रहती है और उसमें आपका अलग सेक्शन बनाए होते हैं अलग अलग चीजों के लिए. ठीक है मैम, फर्नीचर के साथ फर्नीचर्स भी यूज कर सकते हैं? नहीं बच्चे, वही तो बता रहे हैं, फर्नीचर के साथ फर्नीचर नहीं यूज होगा, सीनरी के साथ सीनरीज नहीं यूज होगा, मशीनरी के साथ मशीनरीज नहीं यूज होगा. और मैम चिल्ड्रन भी हो सकता है इसमें? एक क्या हो सकता है? चिल्ड्रन, 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 चिल्ड्रन नहीं, चिल्ड्रन इज अलग. चिल्ड्रन का आपका चाइल्ड और चिल्ड्रन दोनों अलग फॉर्मेट है. सीनरी का एक ही वर्ड है, ये सीनरी का सिंगुलर नहीं, यही वर्ड है, यही फर्नीचर का कोई सिंगुलर नहीं है. फर्नीचर एक ही वर्ड है, इसका
और चिल्ड्रन में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, चाइल्ड मतलब सिंगुलर होता है, दिस इज सिंगुलर एंड चिल्ड्रन इज प्लूरल, प्लूरल यस मैम। हां तो ये अलग चीज है, यहां पर बोल कह रहा है कि इस फॉर्मेट में जिसमें लिखा हुआ है ये वर्ड, इसके अलावा आप कोई फॉर्मेट यूज नहीं कर सकते, जिसके साथ एस नहीं लगा सकते हो, इसके साथ आईएस नहीं लगा सकते हो, लेकिन इन सभी वर्ड्स के साथ जब सेंटेंस लगेगा तो इज यूज होगा, हैज यूज होगा, ठीक है, या जो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, ये जो सिंगुलर वाले फॉर्मेट्स रहते हैं उसी के साथ सेंटेंस आपका बनेगा, अंडरस्टूड मैम? जो आप बोले तह करके रखना, उसका मतलब क्या हुआ मैम? फोल्ड करना? हाँ बच्चे फोल्ड करते हैं। ऑलराइट, सो इफ दिस वन इज क्लियर लेट मी राइट द सेकंड रूल। नाउ रूल नंबर टू जो है आपका, रूल नंबर टू इज समवॉट ऑपोजिट टू दिस। समवॉट का मतलब कि कुछ ऑपोजिट है, पूरा ऑपोजिट नहीं है, ठीक है। रूल नंबर टू कहता है कि कुछ नाउन होते हैं, देयर आर सम नाउन्स व्हिच ऑलवेज स्टे टू द फॉर्मेट ऑफ द सेंटेंस, सम नाउन्स व्हिच ऑलवेज स्टे प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्मेट यानी कि इसके साथ आप हमेशा प्लूरल फॉर्मेट ही लगाएंगे, जैसे कि कैटल, कैटल का नाम सुना है, कैटल मतलब क्या होता है? यस मैम, क्या होता है मतलब? मैम जहाँ पे सब गाय और ये सब भेड़ बकरी, कैटल का मतलब होता है एक्जेक्ट मीनिंग आप इसका ये होता है, वो एनिमल्स जिससे आप बिजनेस कर सकते हैं, जिसको आप अपने घर में रख, ठीक है। तो बेसिकली इसमें गाय आ जाता है, बकरी, हाँ, जो बेसिकली यूज होता है ऑल ओवर वर्ल्ड, तो इसलिए कैटल का मतलब होता है वो एनिमल्स जिसको आप घर में रख के बिजनेस करते हैं। तो कैटल में आपका ये पूरा एनिमल्स आ जाता है, ठीक है। तो आपके पास कभी एक गाय है या दो गाय है, आपके पास है, तो इसको लेकिन हमेशा अगर आपके पास एक गाय है तो आप भेड़ बकरी नहीं बोलते, तो एक गाय है, एक गाय, ठीक है। तो अगर एक से ज्यादा मेरी हम कैटल वर्ड यूज करेंगे तो इसीलिए कैटल के साथ हमेशा क्या लगेगा? आप लगेगा, ठीक है, किस तरह का फॉर्मेट लगेगा, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका? कैटल के साथ जेंट्री हो सकता है, जेंट्री हो सकता है, डोंट वरी आई विल टेल द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। और क्या हो सकता है? Something that always takes plural noun, sorry, plural verb. Plural verb में आपका और क्या होता है? Yes, verb में हो सकता है. Something like that. I will give the example in the video. ठीक है? यहाँ पे ये word specifically मुझे इसको याद रखने की word बहुत ज़्यादा है. Gentry का मतलब होता है gentry and peasantry का अभी भी ये वर्ड यूज होता है, बट ना इट इज नॉट पॉपुलर इन यूज। जेंट्री का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल दैट इज दैट आर कंसीडर्ड एज जेंटलमैन एंड जेंटलवुमन, यानी जो वेल ब्रेड फैमिली से, जिसकी वेल्थ हो, जिसकी रिस्पेक्ट हो, उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप जेंट्री में आते हैं, जेंट्री के कैटेगरी में आप इंक्लूड होते हैं। पीजेंट्री का मतलब आप उस कैटेगरी से, यानी जेंट्री की कैटेगरी से नीचे जाएगा, यानी जो हमारे ब्रिटिश रूल में क्या होता था, बहुत सारे लॉर्ड्स क्लब वगैरह होते थे, ठीक है, तो ड्यूक होता था, अर्ल्स होते थे, तो जो लॉर्ड्स हो गए वो आपके जेंट्री में आ जाते, ठीक है, ये आपके जेंट्री में आ जाते। जेंट्री में कौन आया मैम? एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए मैम, आवाज नहीं क्लियर आ रहा है। अच्छा, जेंट्री का मतलब होता है जो आपके लॉर्ड्स होते थे, ठीक है, जो वेल ब्रेड फैमिली से, अच्छी फैमिली से, रिस्पेक्टेड फैमिली से बिलोंग करते थे, उन्हें जेंटलमैन और जेंटल लेडी कहा जाता है। तो उस पूरे ग्रुप को मिलाकर नाम जेंट्री है। तो अगर प्रेजेंट्री जो है, प्रेजेंट्री इनके नीचे लेवल पे होता है, यानी कि बेसिकली दोस पीपल हु आर वर्किंग फॉर द लॉर्ड्स,
जो लॉर्ड्स के लिए वर्क करते थे, फॉर एग्जाम्पल लॉयर्स, ठीक है, फार्मर्स, ठीक है, ये सारे वर्कर्स पहले हुआ करते थे, उनके पास लॉयर हुआ करते थे, उनके पास फार्मर हुआ करते थे, सेक्रेटरी, ठीक है, ये सारे उनके वर्कर्स रहते थे, जो इससे भी नीचे है, फार्मर्स उनका जो घर में मेड्स हैं, ठीक है, जो डोरमैन हुआ करते थे, जो क्या उसको बोलते थे, मतलब होता है एनी एनिमल, स्मॉल एनिमल्स और इंसेक्ट, यू कैन से स्मॉल एनिमल्स और इंसेक्ट्स who destroy farm or who destroy the trees, maybe basically wind, ठीक है, which destroy greenery में क्या क्या चीजें आ सकती है, greenery में आपके crops आ सकते हैं, greenery में आपके trees आ सकते हैं, for example cattle feeder जो है, cattle feeder आपका वो पत्ते आता है, हाँ, छोटे मोटे कीड़े जो होते हैं, जो आपके पत्ते खा जाते हैं या फिर खराब करते हैं, उन सभी को वर्क मैम पीजेंट्री में उसको भी ले सकते हैं, जैसे दरबान जो होते हैं, हाँ, वॉचमैन, हाउसकीपर, फुटमैन, बहुत सारे मतलब बड़े लोगों के लिए काम करते हो, हाँ, जो लॉर्ड्स के लिए बेसिकली काम करते हैं, यस बच्चे किसका माइक बिना ऐसे अनम्यूट मत करिए, नॉइज आ रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है, अच्छा नहीं, तो यहाँ पर ये सारे वर्ड्स जो है ये हमेशा रूरल फॉर्मेट में रहेंगे, यानी कि इनके साथ आप आर लगाएंगे, हर लगाएंगे, या जो भी वर्ड का एस वाला फॉर्मेट होता है उसके साथ आप यूज करेंगे, तो दीज आर टू बेसिक मोड्स दैट यू हैव टू हैव। तीसरा मोड मैं आपको बता दूं, दैट वाज फ्रॉम द ट्राउजर्स जो उसने बताया है, अब तो मैं बता देती हूँ, टाइम है अभी, सो लेट मी एक्सप्लेन दिस रूल टू यू। वो आपका एक मंथ का, अच्छा यू डोंट हैव राइट नाउ योर एग्जामिनेशन, राइट, अभी तो नहीं है आपका एग्जामिनेशन, so there are some nouns for which verbs exist in pair, exist in pair, ये नंबर आपका ये होता है trousers, scissors, हाँ scissors, and shoes, socks, ग्लव्स मैम, ग्लव्स, कपड़े बता रहे हो इसको पहनने के लिए, तुम्हारे बॉडी पार्ट्स में तो क्या देखते हैं, योर आईज, शूज, योर आर्म्स, योर हैंड, योर ईयर्स, एवरीथिंग इज इन पेयर मैम, क्रिकेट इक्विपमेंट भी ले सकते हैं मैम, पैड्स, पैड्स, यस मैम, यस मैम, लेग पे लगता है, कहाँ पे बांधते हैं, लेग पैड, लेग पैड, यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस, हाँ, तो दोस आर यू कैन से इज आर एग्जिस्टिंग पेयर, लेकिन डिफरेंस ये है कि थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होता है कि ये सारी जो चीजें हैं ना, जैसे आपके आई फिंगर, आपकी ह्यूमन बॉडी पार्ट, ये जो पेयर एग्जिस्ट करते हैं, अगर इनमें से एक नहीं रहा तो आप दूसरा पेयर यूज करके चला सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं दे आर नॉट यूज इफ वन पेयर इज लॉस्ट, लेकिन जो हमारे लिविंग थिंग वाले लाइफ वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, लिविंग थिंग वाला जो पार्ट होता है वो एग्जिस्ट कर सकता है, वी जस्ट डोंट वांट टू एग्जिस्ट,
ठीक है, कोई चाहता नहीं कि वो देयर में एग्जिस्ट ना। तो इनके लिए जब हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगा, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में ही रहेगा क्योंकि ये पेयर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ट्राउजर्स, आई फाउंड न्यू ट्राउजर्स या आई बॉट न्यू शूज, तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा दीज शूज दैट आई बॉट आर पिंक इन कलर, आ रहेगा क्योंकि मेरे पास पेयर है। द ट्राउजर्स दैट आई बॉट फॉर माई ब्रदर इज ब्लैक इन कलर, सॉरी आर ब्लैक इन कलर। ठीक है, तो ये सारे जो सेंटेंसेस रहेंगे ये आपका बेसिकली यू विल फॉर्म इन प्लूरल फॉर्म, क्योंकि ये पेयर में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। हर आईज आर ब्लू, ये बोलते हैं हर आईज आर ब्राउन और चॉकलेट कलर, तो ये जो होता है ये एग्जिस्ट वो पेयर पे एग्जिस्ट करता है। तो ऑलवेज व्हेन यू आर फॉर्मुलेटिंग अ सेंटेंस इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म। एवरीवन क्लियर विद ऑल द थ्री रूल्स? यस मैम। सीजन में एस सी आई होगा मैम, डबल एस। एस सी आई डबल एस ओ आर एस मैम। एस सी आई डबल एस ओ आर एस मैम। So basically three rules I have cleared up here. ठीक है, इससे रिलेटेड questions को हम करते रहेंगे and questions के थ्रू समझाना मेरे लिए आसान होता है। हाँ, तो इसीलिए and meaning ये four four questions हम लोग करेंगे and आपके test का आगे देखो always your questions। ये वाला मेरे को आज करवाना नहीं था लेकिन आपने बोल दिया था तो I was just taking this कि ये समझ में भी हालांकि बहुत जल्दी आ जाता है बच्चों को, तो इसलिए आज करवा दिया। चलिए, तो तीन रूल आपके हो गए हैं फिनिश एंड वी कैन गो अहेड। एंड वन मोर थिंग, नाउन के रूल जो होते हैं ना वो प्रोनाउन जब हम पढ़ेंगे अगर प्रोनाउन में वो रिपीट हो, क्योंकि नाउन किसके प्रोनाउन किसके लिए लगता है? टू रिप्लेस द यूज ऑफ नाउन मैम। एग्जैक्टली, देयर आर यूज्ड इन इंस्टेड ऑफ द नाउन इन द सेंटेंस, तो इसीलिए वहां पर आपका जो प्रोनाउन रहेगा। अच्छा, दो मिनट के लिए लॉगिन कर लो तुम्हारा इसी में। तो इसीलिए आपका यहाँ पर क्या होता है कि प्रोनाउन के रूल्स, नाउन में जो रूल पढ़ोगे वही चीज प्रोनाउन में रिपीट होगी कई बार। एंड मैम आल्सो फॉर मेकिंग द सेंटेंस मोर रीडेबल वी यूज द नाउन प्रोनाउन। बिकॉज इफ आई एम सेइंग लाइक, मान लीजिए कि मैंने राम से कोई स्टेटमेंट बना रही हूँ, सो राम इज अ स्टूडेंट ऑफ माय क्लास, राम इज गुड इन स्टडीज, राम इज पंक्चुअल, ही कम्स एवरी डे क्लास, तो यहाँ पर राम राम बोलने से अच्छा नहीं लगता, तो हमने इसीलिए प्रोनाउंस का यूज किया सो दैट वी कैन गिव समथिंग इंस्टेड ऑफ वी से, वी कैन से समथिंग इंस्टेड ऑफ। ओके, सो आप लॉग इन कर लो। ठीक है, इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन गो अहेड एंड आस्क मी। कोई भी डाउट है आपको, व्हाट एवर थिंग्स आई हैव ऑलरेडी टॉट यू। एंड बच्चे, इसमें से आपका नाम क्या है? वन मिनट, रोल नंबर बताइए। 33। ओके, वन मोर थिंग, ये चीज मैं पहले ही बता दे रही हूँ, हालांकि आपकी क्लास में नहीं बताई थी, फिर भी मैं बता दे रही हूँ आपकी। आप लोग क्लास में जब भी ज्वाइन करते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ऑफलाइन हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन हो तो ऑडियो एटलीस्ट आपका डिस्कनेक्ट नहीं रहना चाहिए। ऑडियो डिस्कनेक्ट का मतलब क्या होता है? यू आर बीसीए स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल, इफ ऑडियो इज डिस्कनेक्टेड दैट मींस यू आर नॉट इवन लिसनिंग टू मी, ना आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना मेरे को आपकी आवाज सुनाई दे रही है, तो हाँ, तो फिर क्या फायदा हुआ क्लास अटेंड करता? तो आई विल नॉट गिव अटेंडेंस टू दो स्टूडेंट एंड आई हैव नॉट गिवन अर्लियर ऑल्सो। मैंने पिछले किसी भी क्लास में आप पूछ लीजिएगा, दो स्टूडेंट हु आर टेकिंग क्लासेस लाइक दिस, आई एम नॉट गिविंग अटेंडेंस टू दोस। मैं कैमरा के लिए चलो मैं छूट दे देती हूँ कि कुछ बच्चों का दिक्कत होता है, नेटवर्क इश्यूज है, किसी का मन नहीं मन करता है ऑन करने का, कोई अजब कंडीशन में रहता है घर पे कि ऑन नहीं कर सकता है, वो मैं नहीं बोलती हूँ आपको, लेकिन एटलीस्ट आप ऑडियो कनेक्ट करके रखिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है क्लास करके। ऑलराइट, सो इफ यू हैव नो मोर क्वेश्चंस देन अटेंडेंस मैंने ले लिया है। And let's do one thing. I will send you few questions. यहाँ पर मैम roll number 50 बच्चे attendance मैंने ले लिया है। Sorry मैम, मैं ना office में थी, boring road branch।
ओके ओके नहीं, अटेंडेंस मैंने ले लिया है, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन यहाँ पर अभी फिर आई थिंक किसी ने मैसेज किया या किसी को पता चल गया, तो यहाँ पर दो लोगों का डिस्कनेक्ट था वो कनेक्ट हो गया, बाकी किसी एक ने लीव कर दिया। अच्छा जो भी हो, बट आई एम नॉट टेकिंग अटेंडेंस फॉर दो स्टूडेंट, क्योंकि वहाँ पर अटेंडेंस लिस्ट में ये नहीं दिखाता है कि किसी ने अटेंड किया नहीं किया, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाएगा, मुझे पता रहता है, दैट्स व्हाई ऑलवेज टेक स्क्रीनशॉट्स। नहीं, आई टेक स्क्रीनशॉट, दैट्स व्हाई मेरे पास एटलीस्ट प्रूफ रहेगा कि ये बच्चे कनेक्टेड नहीं थे, इसीलिए मैंने इनका अटेंडेंस नहीं लगाया। नहीं तो फिर ये लोग मंथ एंड के पास आते हैं कि मैं मेरा अटेंडेंस नहीं बना, हमने हर क्लास किया आपका, तो आई हाँ तो क्लास कैसे किया है ये बताने के लिए आई ऑलवेज टेक स्क्रीनशॉट, स्पेशली फॉर दोज हु आर स्मॉल बैचेस। ठीक है, 20 25 30 से कम आते हैं उसका तो मेरे को रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, एक स्क्रीनशॉट में सब आ जाता है। ऑलराइट, सो आई एम सेंडिंग यू अ फ्यू क्वेश्चंस, यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैं सेंड करती हूँ आपको, एक क्वेश्चन होता है दैट इज पैराजंबल, पैराजंबल कैसी के लिए, पैराजंबल क्या होता है मैम? there would be one paragraph ma'am in which will contain the sentences in jumbled order, so we have to make it in a meaningful manner arrangement. तो sentence रहेगा, sentences रहेंगे, वो आपस में उलझे हुए रहते हैं, possibly not always, possibly थोड़े से उलझे हुए रहते हैं और आपको उन्हें सही करना होता है। Yes, by seeing the what context and in what context the sentences are used. हाँ, जिस तरह के वो कंटेंट यूज हुआ है, जिस तरह से सेंटेंस फॉर्म हुआ है, इस तरह से आपको इसको अरेंज करना होता है। आई बिलीव आई फाउंड द क्वेश्चन दैट आई वाज लुकिंग फॉर, एंड डोंट वरी, ये क्वेश्चन आलतू फालतू नहीं रहते हैं, ये क्वेश्चंस मैं आपको जो होमवर्क के लिए स्पेशली देती हूँ ये क्वेश्चन। अच्छा ये आंसर के साथ ही दिया है, तो इसको मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये जो क्वेश्चंस रहते हैं, ये क्वेश्चंस आपके एक्चुअल एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन रहते हैं, तो आई बिलीव कि ये सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा आसानी रहेगी एंड फायदा भी रहेगा। ठीक है, फालतू के क्वेश्चंस कराने का कोई फायदा नहीं होता, ये सारे क्वेश्चन ना कराओगे तो फिर आपको भी पता चलेगा कि यहाँ पर कितना लेवल है आपका, कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। पैसेजेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, देखो पैसेजेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि पैसेज में क्या होता है ना, पैसेज में आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलती हैं। ठीक है, आप एक बार में रीड करके कितना समझ सकते हो, ये कैपेसिटी आपकी इंक्रीज कर जाती है। और इससे क्या फायदा मिलता है, इससे व्हेनेवर यू आर लर्निंग एनीथिंग इन एनी अदर सब्जेक्ट, आप एक बार रीड करोगे और उसमें से बेसिक आंसर्स निकाल पाओगे। ठीक है, बोरिंग भी होता है मैम, एक बार रीड करने से 4-5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एग्जैक्टली, लेकिन देखो पैराग्राफ जो होता है ना, पैराग्राफ में दो चीजें होती हैं इम्पोर्टेंट जो आपको जाननी चाहिए। ठीक है, क्या क्या चीजें, पैराग्राफ जब रहता है, ठीक है, पैराग्राफ में ये चीज बताया नहीं होगा कभी किसी स्टूडेंट ने या टीचर ने या कभी कोई ऐसा बोलता नहीं, लेकिन अगर आपका पैराग्राफ जो है वो सिंपल है, यानी कि आपको एक बार रीड करने से पूरा समझ में आ गया, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो क्वेश्चन हमेशा ट्विस्टेड आते हैं उससे। ठीक है, अगर आपका पैराग्राफ हार्ड है, थोड़ा सा समझना पड़ रहा है, थोड़ा सा रिपीट करके पढ़ना पड़ रहा है, इसका मतलब कि आपके क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं। दैट मींस वंस यू हैव रेड दैट पैराग्राफ, तो आपके जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो क्वेश्चन आप पैराग्राफ में वापस जाके देख लोगे कि अरे ये वाला लिखा था, ये वाला लाइन है, इसका ये आंसर होगा। तो हमेशा याद रखना कि जब भी आपका पैराग्राफ वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, ये तो बहुत ही आसान आसान लग रहे हैं मुझे। Ma'am, you can send us later on also. Yes, I will send us, क्योंकि मेरे को देखना पड़ेगा यहाँ पर question मेरे पास बहुत सारे हैं। Yes, because we have our other class also from 2:00. Fine, that is all right. Classes तो मेरा भी है। ठीक है, तो next before next class or you can say before 3:00 I will send you the homework. ठीक है, वो आप करके लाइएगा and next class we will discuss that. ठीक है? Okay, ma'am. Thank you, ma'am.